आज आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं वो जा रहे हैं एलोवेरा का हलवा। अंकल जी ये क्या चीज है? ये तोड़ तुम्बा ये क्या करता है? ये शुगर में काम आता है। ये क्या है ये जो मुझे कांटे चुभे हैं? धमासा बूटी है। धमासा बूटी, हर दूसरा बंदा किसी ना किसी वायरल फीवर के अंदर नजर आ रहा है, तो उसके लिए पपीते के पत्ते इनके पास ये भी अवेलेबल है। काट के दो टुकड़े करो, पाव में लगाओ, तलवे में, शुगर कंट्रोल। कब से आप यहाँ पे चीजें बेच रहे हैं? मैं तो 50 साल हो गए। बिस्मिल्लाह मान रहे हैं दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं आराम बाग के एरिया में और यहाँ पे आज बहुत ही बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन लेके आज आप लोगों के लिए आया है। जैसा आपको बताया कि वायरल चल रहा है, जगह जगह पे लोगों को बुखार हो रहा है, लोगों के व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो कम हो रहे हैं, उन्हीं सब चीजों को लेते हुए आज हम यहाँ पर आए हैं और आपको आज यहाँ पे हम जो ऐसी जड़ी बूटियां जो बहुत रेयर हैं, जो आप लोग अक्सर ढूंढ रहे हैं, कि मिसाल के तौर पे अगर आप बोलते हैं कि यार मुझे पपीते का पत्ता चाहिए तो सेब के साथ मिला के उसका अर्क मिला के आपके व्हाइट ब्लड सेल जो है, प्लेटलेट जो कम हो गए हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, वो अक्सर आप ढूंढ रहे होते हैं। पपीते के पत्ते कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। उसके अलावा आप अगर ढूंढ रहे होते हैं कि यार मुझे एलोवेरा चाहिए, एलोवेरा आपको बालों में लगाने के लिए, फेस पर लगाने के लिए और खाने के लिए चाहिए, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा। प्लस यहाँ पे एक जो बहुत रेयर किस्म की जो जड़ी बूटी है उसका जो कैंसर के लिए जो जिसकी जड़ी बूटी है जिसका इलाज किया जाता है वो भी आपको यहाँ से धमासा बूटी के नाम से वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर कोई कैंसर में अल्लाह ना करे कोई बंदा है और वो चाह रहा है कि किसी जड़ी बूटी के उसको आजमाना चाह रहा है, उसे देखना चाह रहा है, तो आजमाने में कोई मसला नहीं है क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है जड़ी बूटियों के। तो यहाँ पर आके आप लोग ये सारी चीज़ों को बाय कर सकते हैं। चलते हैं, अंकल जी बैठे हुए हैं, अंकल जी पूरे तरीके से देख नहीं सकते तो हम उनके पास ही बैठ के वहाँ पे अपना इंटरव्यू करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज उनके पास से देंगे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये हो सकता है कि आपकी वजह से कई लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि हमारे फेसबुक पेज जो 8 & डिस्कवर का है उससे मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, यूट्यूब से भी शेयर कीजिएगा। और अब चलते हैं, अंकल से चल के बात करते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अच्छा भाई, आज ऐसा हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जो इससे पहले आपको सोशल मीडिया में बड़ा कम देखने को मिलता होगा या मिला होगा। कैसे जी, खैरियत से आप ठीक है? अच्छा, ये आराम बाग वाला रोड है और इसके ऊपर भाई बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियां जो है ना रोड साइड पे ये सेल कर रहे हैं। मैं पहले एक दो बार यहाँ से गुजरा लेकिन मैंने आज ये फैसला किया कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये बताया अंकल जी ये क्या चीज है? ये तोड़ तुम्बा ये क्या करता है? ये शुगर में काम आता है। काम आता है? कब्ज में काम आता है। कब्ज में? जो कब्ज हो, तोड़ तुम्बा कैसे, क्या तरीका? खा लो, कब्ज टूट जाएगा। छिलका उतार के और काट के दो टुकड़े करो, पाव में लगाओ, तलवे में, शुगर कंट्रोल कर। वाकई में? हाँ, आपने आजमाया हुआ है? मेरा आजमाया हुआ है, जाती आजमाई हुई चीज है। तो ये है क्या साहब, कहाँ से आता है ये? क्या 30 रुपए का एक है, 100 के 4 है। 100 के 4 है। तो कितना खाना होता है शुगर में? थोड़ा सा टुकड़ा इतना खा ले रोज, एक बहुत कड़वा होता है। अच्छा, जिसको कब्ज हो जाए ये खिला दे, इंशाल्लाह फायदा होगा, सब खुल जाएगा। खुल जाएगा, सिस्टम ऑन हो जाएगा। कोई सा भी कब्ज हो, जैसा दायमी कब्ज हो, उसको भी खत्म कर। अच्छा, कब से आप यहाँ पे चीजें बेच रहे हैं? मैं तो 50 साल हो गए। 50 साल से भी ऊपर ही होगा। हाँ, आप भी इधर ही हैं। ये हलवा बनाते हैं एक बार। किसका? एक बार ये इसका है ना, एलोवेरा का हलवा बना। एलोवेरा का हलवा वो रखा ना, एलोवेरा का हलवा लेकर आओ भाई, वो जो बॉक्स में जो पड़ा हुआ है एलोवेरा का हलवा भी दिखाइएगा हमें जरा। तो ये क्या नाम बताइए, दोबारा बताइएगा इसका? गोड़ तुम्बा। ये एक बार का हलवा है, ये एलोवेरा का हलवा है। यार ऐसी यूनिक किस्म की चीजें, चुप गया कटा कांडा, चुप गया। ये बताता हूँ ये क्या है, ये चुभा है, ये मैं बताता हूँ, अभी मुजम्मिल को भी चुभा है, अभी मुझे भी चुभा, यहाँ मुझे यहाँ पे। अच्छा, ये हलवा क्या हिसाब है? ये एक पाव आता है 300 रुपए। एक पाव 300 रुपए का? अच्छा, तो सही है। तो ये किस मकसद के लिए काम में आएगा? ये हड्डियों के दर्द, कमर के दर्द, मोरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बेहतरीन चीज। इतना कैसे खाना है, तरीका क्या है? एक चमचा ले लो दूध से, चाय से, पानी से, खाने का चमचा, रातों के सोते हुए ले लो दूध के साथ, सुबह ले लो। आप खाते हैं? ये तो बनाते हैं कुछ लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जिनके वक्त के साथ घुटनों में आवाज आने शुरू हो जाती है। हाँ, उन्हीं के लिए। हाँ, तो ये उसी के लिए, उसी के लिए जो लोआप कम हो जाता है। हाँ, लोआप पूरा करने के लिए। हाँ। अच्छा, बिल्कुल एकदम कड़क हो जाएगा बंदा। कड़क कितने टाइम में? तकरीबन 1 महीना तो खाए। 1 महीना खाए। छोटी चम्मच या बड़ी चम्मच? छोटी चमचा चाय वाली, दूध के साथ फायदा होगा, बेहतरीन। खराब तो नहीं होगा ये, बाहर रखेंगे? ये महीने भी खराब नहीं होता। ये भी कड़वा है?
नहीं मीठा। अच्छा ये अंकल जी बताइएगा ये क्या है, ये जो मुझे कांटे चुभे हैं? धमासा बूटी है। धमासा बूटी। अच्छा ये सूख जाती है ना। अच्छा। उसका पाउडर बना के कैंसर वाले को खिलाते हैं, खारिश से हो जाती। किस तरह खिलाते हैं बता? ये तो मैंने सुना है कि इसको सिर्फ खिलाने से कुछ नहीं होगा, और भी इलाज करना पड़ेगा। ये ले ले जाते हैं। आपके पास कभी ऐसा हुआ है कोई बंदा आया हो जैसे कैंसर के लिए आपसे ये लिया हो? ले जाते हैं। नहीं लेके गए। अब उसके बाद इतने उनमें से कितने लोग हैं जो वापस आके आपको बताते हैं कि यार हमें कैंसर से हमारा इलाज हो गया? वो महीनों चलाता है, 2-3 महीने खिलाए जब फायदा होता है। कोई ऐसा है जो वापस आके किसी ने बोला हो कि यार मेरा वो ठीक हो गया कैंसर? नहीं ऐसा तो अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जिसने बोला हो कि यार इलाज है कैंसर का और ठीक। देखिए मैंने भी ये सोशल मीडिया पे 2-3 जगहों पे, ये कहाँ से आती है बूटी, क्या है ये? ये बलूचिस्तान से भी आती है, सिंध से भी आती है। अच्छा हमारी अपनी है। तो इसका आपने पाउडर बना के रखा हुआ है? पाउडर भी है। वो क्या हिसाब मिलता है? 100 रुपए का 50 ग्राम है, 500 रुपए। तो वो क्या है, वो छोटी सी चाय की चम्मच वो भी लेनी है आपने? मिला के पी लो या दूध के साथ? खा के पानी के साथ ले। पानी के साथ पी ले। तो ये कितने महीनों में कहते हैं कि आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा? 15 दिन खिलाओ इंशाल्लाह देखो। अच्छा भाई ये देखे, इनके पास सारी वो चीजें आपको मिल जाएंगी जो आजकल की जरूरत है। मिसाल के तौर पे आजकल बुखार वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है, आजकल आपको डेंगू, दूसरा बंदा डेंगू के अंदर मुब्तला नजर आ रहा है, हर दूसरा बंदा किसी ना किसी वायरल फीवर के अंदर नजर आ रहा है। तो उसके लिए पपीते के पत्ते इनके पास ये भी अवेलेबल है, क्या हिसाब होते हैं? 150 रुपए पाव है। पाव 600 रुपए। किस तरह पिलाते हैं? इसका अरख निकाल के पिला दो, अरख निकलेगा, निचोड़ के निकाल के चमचा पिला। अच्छा शहद में मिला के पिला सर। अच्छा इसके इसका अरख निकाले और फिर ये आपको कोई कहता है सेब के जूस के साथ मिला के पिला? सेब के पिला दो। अच्छा कोई से भी जूस में पिला, उसमें आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो पूरे हो जाएंगे इससे? पूरे हो जाएंगे। है भाई मुजम्मिल भाई ये कह रहे थे आप पपीते के पत्ते पिए, फिर पानी मिला के पी सकते हैं? हाँ पानी पी सकते, वो तो पीना है, पेट में जाना है, मुद्दा ये है कि पेट में जाए। अच्छा तो सही है। तो मुझे अभी बुखार है हमारे एक दो लोगों को, तो मैं पपीते के पत्ते थोड़े ले जाता हूँ। हाँ पिला दो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सही हो जाएगा, एक दो दिन में बंदा कड़क सेल जो कम हो जाते हैं ना आदमी के, सेल चार्ज हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा, फुल चार्ज वाला सेल काम करेगा इसका। ये एलोवेरा भी रह गया है अभी, ये भी दिखाया इनके पास माशाल्लाह से 4-5 चीजें इतनी यूनिक है इनके पास कि आप जब यहाँ आएंगे तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ये बड़े सरप्राइज होंगे कि आपको सारी वो यूनिक चीजें। जो ये एलोवेरा जो है ये नॉर्मली लोग किस काम में लाते हैं एलोवेरा? एलोवेरा आजकल तो लेडीज चेहरे पे लगाती हैं, बालों में लगाती हैं, गोरी होना चाहती हैं। हाँ चमक जाएंगी इससे, चमक से आती मतलब दाग धब्बे दूर, दाग धब्बे मतलब वो कहते हैं दाग। और ये जोड़ों के दर्द में भी काम आता है। अच्छा शुगर में भी काम आता है ये जो उसका हल्ला बनाया है? हाँ काम आएगा। अच्छा तो इस तरह ये भी ट्राई करके देखेंगे। तो ये बुजुर्ग एज के जो बड़े लोग हैं वो खा सकते हैं ये? हाँ हाँ वही ले जाते हैं, बड़े लोगों के लिए। अच्छा वो बच्चे तो सही हैं, बड़े लोग इसको खाए एक दूध की चम्मच के साथ रोज ले? हाँ कोई साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं? 50 साल से चल रहा है, कभी आज तक साइड इफेक्ट? आप खाए कभी? मैं खाता हूँ। खाते हैं, क्या क्या फर्क लगा आपको जिंदगी में अपनी? ये हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द नहीं होगा? नहीं होगा, जबरदस्त। ये बड़ी यूनिक चीज है ये, और पपीते के पत्ते इंशाल्लाह ये दोनों यहाँ से लेके जाएंगे, आजमाएंगे और फिर आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या फायदा हुआ। तो भाई वीडियो क्योंकि अंकल जी एक जगह बैठे हुए थे, मैंने कहा बैठे बैठे आप लोगों को दिखाया जाए। तो ये बड़ी यूनिक जगह, ये क्या एड्रेस क्या था लोगों को समझाए ना यहाँ क्या? आराम बाग के मस्जिद के सामने, जड़ी बूटी वाले मशहूर है, मशहूर है, मशहूर है। क्या नाम क्या आपका? मेरा जमीलुर रहमान। और ये जगह किस नाम से, किसी नाम से मशहूर है? आराम बाग, आराम बाग जड़ी बूटी वाले सामने ही मस्जिद है ना आराम बाग। ये फुटपाथ है पूरे कराची में, कहीं पूरे पाकिस्तान में बल्कि एक ही है जड़ी बूटी का एक ही स्टॉल है। जमील भाई यहाँ पे होते हैं और आप लोग जब आए यहाँ पे तो आके लाजमी इसको ट्राई करें। वीडियो को यहाँ पे इख्तिताम करेंगे, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फेसबुक से, यूट्यूब से। अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।